हेलो स्टूडेंट्स, न्यू मास्टरिंग ग्रामर चैप्टर स्टैंडर्ड 5th वाले बच्चों का है। तो चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। जो भी नेम होता है वो सब्जेक्ट होता है, और नेक्स्ट है यहाँ पे हम बताया है सुहाना इज द सब्जेक्ट बिकॉज दिस सेंटेंस इज अबाउट सुहाना। सुहाना के बारे में बताया गया है। और जो वर्ड है इज अ गुड स्टूडेंट्स, तो वो है प्रेडिकेट बिकॉज इट दिस पार्ट टेल अस समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताता है, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट किस तरीके से आते हैं। बर्ड्स है, द बर्ड्स है, द टू बेबीज है, और प्रेडिकेट है फ्लाई, फ्लाई अवे, वेयर फीलिंग स्केट, इस तरह से। तो हम ये जो है सारा वो एक्सरसाइज में ज़्यादा समझेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स एंड द प्रेडिकेट्स इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे हमें सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें से हमें फाइंड करना है जो सब्जेक्ट है वहाँ पे एस लिखेंगे और प्रेडिकेट है वहाँ पे हम पी लिखेंगे। फातिमा एंड आसिन आर गुड फ्रेंड्स, तो फातिमा और आसिन है वो सब्जेक्ट है, और आर गुड फ्रेंड्स है वहाँ पे प्रेडिकेट आएगा। अक्रॉस द रिवर इज द स्मॉल विलेज, तो अक्रॉस द रिवर है वहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, और जो स्मॉल विलेज है वहाँ पे प्रेडिकेट आएगा। फिर यहाँ पे द चिल्ड्रन ऑफ द जूनियर क्लासेस हैव अ हॉलीडे टूमोरो, तो ये जो बच्चों के बारे में बताया है तो वहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे प्रेडिकेट आएगा। स्टैंड इन अ क्यू, तो ये लाइन में खड़े हैं, तो यहाँ पे कोई नाम वगैरह दिया नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट प्रेडिकेट आएगा। यहाँ पे विशाल इज एब्सेंट टूडे, तो विशाल है वो सब्जेक्ट आएगा, और इज एब्सेंट टूडे है वहाँ पे हम प्रेडिकेट लेंगे। तो चलिए अब मैच को देखते हैं। तो वीना है उसका हमें, यानी सब्जेक्ट और ये दोनों का हमें सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो वीना हैज़ गोन टू स्कूल, माई हॉबी इज रीडिंग, इट इज रेनिंग हैवीली, आई एम गोइंग टू कश्मीर फॉर माई वैकेशन। जैसे कि आई दिया है तो वहाँ पे एम लगेगा, तो इस तरह से भी आप सोच के थोड़ा बहुत बना सकते हो। नेक्स्ट है सी, फिल इन द ब्लैंक दी है, तो वर्क्स इन एन ऑफिस, तो माई फादर आएगा। ब्लैंक ट्विंकल इन द स्काई, तो स्टार्स, वी ब्लैंक आर इन द स्कूल, इन स्कूल, तो वी आएगा। ब्लैंक इज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज, तो द बेबी। फिर यहाँ क्वेश्चन डी है, टेक द करेक्ट ऑप्शन, तो फिल इन द ब्लैंक है वो देखते हैं। माई ग्रैंड फादर, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, टीच मी गुड मैनर्स, कोई भी ग्रैंड फादर होता है हमें मैनर्स सिखाता है, इसीलिए यहाँ पे ग्रैंड फादर भी हमने ये लिया है। मनीष एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों है ना नाम, तो हम इसे जो भी है प्लूरल में आएगा इसी वजह से। द बेबी इज स्लीपिंग, सम बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, लता मंगेशकर इज इन इंडियन सिंगर, इज एन इंडियन सिंगर। तो चलो यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर फिनिश होता है। थर्ड चैप्टर का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक इतना पेपर बनाइए और इसकी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।